आज का वीडियो में देखेंगे रेबिट आर्किटेक्चर सॉफ्टवेयर में हम लोग कैसे विंडोज और डोर और वेंटिलेटर को हम लोग प्लेस करते हैं। जबकि हम लोग प्रीवियस वीडियो में देखा था कि रेबिट आर्किटेक्चर में वॉल को क्रिएट करना सीखा था और हम लोग सीखा था ऑटोकैड सॉफ्टवेयर से हम लोग जो हाउस प्लान था उस प्लान को हम लोग रेबिट आर्किटेक्चर में कैसे इंसर्ट किया था वो हम लोग सीखा था। तो आज हम लोग सीखेगा विंडोज प्लेस करना और गेट प्लेस करना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आर्किटेक्चर है। आर्किटेक्चर में हम लोग जाके क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपका वॉल है, यहाँ पे डोर है, विंडोज है। हम लोग डोर में फर्स्ट ऑफ ऑल डोर को प्लेस करता है तो हम लोग डोर में जाकर क्लिक करेगा। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि प्रॉपर्टी पैलेट में इस टाइप का ओपन हुआ है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एरो का सिंबल है, तो एरो पर हम लोग जाकर क्लिक करेगा तो इस टाइप से हमारा पूरा विंडोज पूरा गेट साइज आ रहा है। तो आप जिस साइज में रखना चाहते हैं उस साइज में आप गेट का लगा सकते हैं। लेकिन दोस्त मैं कहना चाहता है कि रेबिट आर्किटेक्चर में बाय डिफॉल्ट एक ही तरह का गेट दिया जाता है, एक ही टाइप का गेट दिया जाता है। अगर अलग अलग तरह का गेट आपको प्रोवाइड करना है प्लान में तो आपको लाइब्रेरी में जाकर आपको वहां से ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड से आपको रेबिट आर्किटेक्चर में लाना होगा। यदि आपका लाइब्रेरी नहीं है रेबिट आर्किटेक्चर का तो आप गूगल में जाकर रेबिट लाइब्रेरी डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आप गूगल में जाकर डाउनलोड रेबिट फैमिली लिखिएगा तो आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा, तो वहां से डाउनलोड करके आप ला सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक टाइप का जो दिया हुआ है गेट उसी गेट इसी टाइप का गेट का मैं अपना प्लान में प्लेस करके आपको बतलाएगा। तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे जो गेट का जो साइज दिया हुआ 762 x 2034 mm तो इस टाइप का दिया हुआ, तो आपको जितना mm का गेट को प्रोवाइड करना है आप कर सकते हैं यहाँ से। जबकि हम प्रीवियस वीडियो में बोला था किसी कंपोनेंट को प्लेस करने से पहले हम लोग डुप्लीकेट करते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि एडी टाइप है तो एडी टाइप में हम लोग क्लिक करेगा, क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम लोग डुप्लीकेट करेगा। तो डुप्लीकेट करने से के बाद यहाँ पे नेम है तो नेम आप लोग जो भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग गेट प्रोवाइड करते हैं तो हम लोग यहाँ पे G1 लिखा और यहाँ पे ओके। फिर उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं विड्थ 800 है, हाइट 2000 है, विड्थ मतलब रफ विड्थ है, रफ विड्थ का मतलब नहीं है हम लोग लेना है, रफ हाइट दिया हुआ हम लोग को केवल विड्थ और हाइट से लेन देन है। तो विड्थ कितना आपका है गेट का उसके अकॉर्डिंग आप रख सकते हैं। यदि हम 800 ही लेकर चलता है, यदि आपका गेट का विड्थ दिया होगा 960 mm तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे चेंज करके लिख सकते हैं। मतलब कि मेरा गेट का जो विड्थ था 914 जो मैं ऑटोकैड होम ऑटोकैड सॉफ्टवेयर में जो हमने बनाया था प्लान को उसमें हम लोग 914 mm दिया था। और हाइट हम रखना चाहता है 2000 क्योंकि हम लोग जो गेट का प्रोवाइड करते हैं तो लिंटल लेवल से लेकर हम लोग लिंटल लेवल तक हम लोग गेट का प्रोवाइड करते हैं, इसलिए हम लोग इसका हाइट होता है 2000 होता है, 2100 होता है, मतलब 2100 होता है, 2000 होता है, यही होता है। तो मैं यहाँ पे 2000 लेकर चल रहा, यदि आप 2100 लेकर चलिएगा तो भी अच्छा है। तो फिर उसके बाद हम लोग ओके करेगा। तो ओके करने के बाद देखते हैं कि दोस्त यहाँ पे हमारा G1 से हम लोग सेट किया था तो G1 हमारा यहाँ पे दिखाई दे रहा, तो G1 पे क्लिक किया। उसके बाद देख रहे हैं कि बनना स्टार्ट हुआ था, देख रहे हैं कि जैसे हम लोग वॉल पर आ रहा है तो हमारा बनते हुए दिखाई दे रहा गेट, और जैसे ही हम लोग वॉल से बाहर कर्सर को आ रहा है तो देख रहे हैं कि एक एक केवल सर्कल टाइप और सिंबल दिखाई दे रहा है। यानी गेट वहां पे ही प्लेस होता है जहां पे वॉल प्रोवाइड किया जाता है। तो हम लोग को देखिए यहाँ पे प्रोवाइड करना है दोस्त, तो यहाँ पे हम लोग प्रोवाइड करेगा। कभी कभी क्या होता है ना कि ये जो आप देख रहे हैं कि कभी कभी क्या होता है कि जो वर्टिकल चौखट होता है जो हम लोग बोलते हैं वो आपका इस वॉल में ना होकर इस साइड में ना होकर कभी कभी आपका इस साइड में दिखाई देता है। आप देख रहे हैं इस साइड में, और जबकि आपको उस साइड में वर्टिकल चौखट को लाना है तो कैसे लाइएगा, तो कीबोर्ड में एक स्पेस बार होता है उसको आप एक बार प्लेस प्रेस कीजिएगा तो आपको आ जाएगा। देखिए प्रेस करने से ही आ रहा है, तो हमको इस साइड में रखना है बस ला कर यहाँ पे, केवल आपको एक बार माउस का लेफ्ट बॉटम को आपको एक बार क्लिक करना है।
क्लिक करने के बाद देखने की हमारा यहाँ बन गया। तो इस पॉइंट से हम लोग को हटने के लिए एक बार माउस का राइट क्लिक करके कैंसिल करना होगा। इस पॉइंट से क्यों आते हैं, क्योंकि हम लोग अभी कमांड में है, देखिए कमांड में अभी हम लोग है प्लेस डूर, यहाँ पे ग्रीन है बाकी ब्लैक, हम लोग अभी कमांड में ही है क्योंकि केवल इस पॉइंट से हटा है। और हटने का रीजन हुआ क्योंकि हम लोग अब यहाँ पर लगाना चाहता है तो हम लोग यहाँ पे इसलिए हट गया से। अब हम लोग यहाँ पे लगाएगा, देखिए हमारा चौखट जो वर्टिकल है इस साइड में दिखाई दे रहा है, लेकिन हमको लाना है वॉल का इस साइड। तो अब कीबोर्ड में जो प्रेस, जो कीबोर्ड में स्पेस बार होता है उसको हम लोग एक बार प्रेस करेगा तो हमारा इस साइड बन गया। एक बार फिर हम लोग क्लिक करके देखिए इस टाइप का रेड आपका आ गया ना दोस्त। तो जो रेड टाइप का है उसका रीजन हो जाता है कि आपने वॉल पे आपने प्रोवाइड कर दिया, देख रहे ना आपने वॉल पे प्रोवाइड किया है तो उससे दबा दिया पिन से किया। आपको वॉल के इस साइड में थोड़ा सा रखना है, यहाँ पर रख दिया, ठीक है नहीं होगा दोस्त। हाँ अब बोलिएगा कि ये जो वॉल में क्यों नहीं टचे, तो वॉल में टच करने के लिए हम लोग एक मूव कमांड से मूव करके वॉल में हम लोग टच कर देगा, बताएगा उसको। तो दोस्त हम लोग यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इस तरह से हम लोग गेट को प्रोवाइड आसानी से कर देगा। अब हम लोग मूव करना थोड़ा सीखता है और फिर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का गेट हम लोग लगाना सीखेगा लाइब्रेरी से लाकर। तो जबकि यहाँ से जो बाय डिफॉल्ट रेविड आर्किटेक्चर में जो गेट प्रोवाइड किया जाता है उसके मदद से हम लोग दो गेट लगा चुके हैं और इसको मूव करते हैं। देखिए यहाँ पे क्लिक कीजिए गेट पे जहाँ पे लगाए, उसके बाद यहाँ मूव का ऑप्शन दे रहा है, देख रहे हैं कि प्लस का है सिंबल, तो वहां पे क्लिक करेंगे और फिर हम लोग को जहाँ पे लगाना है उसको लाकर लगा सकते हैं। देखिए फिर यहाँ पे टचिंग हुआ है तो आपको सिलेक्ट करके यहाँ से ग्रीन पिंक कलर का दिखाई नहीं देना चाहिए, तब जाकर आपको मानिए कि हमारा इधर नहीं है। तो यहाँ पे जूम करके आप आसानी से कर सकते हैं, यहाँ पे किया और हमको इधर लाना है बस। ठीक है बार बार हो जा रहा है आपका वॉल पर जा रहा है, इससे तो घबराने वाली बात नहीं है। हम लोग फिर से कंट्रोल करेगा, फिर से क्लिक करेगा और फिर वहां करेगा और फिर हम लोग छोड़ देगा। ठीक है दोस्त हमारा हो गया है सेटल। इस तरह से हमने दो गेट को प्रोवाइड किया, तो दो गेट का प्रोवाइड किया, जिस तरह से दो गेट प्रोवाइड किया उसी तरह से सभी गेट प्रोवाइड आसानी से कर सकते हैं। और जितना साइज का आप लाना चाहते हैं गेट का साइज उतना मैं प्रोवाइड कर सकते हैं डुप्लीकेट का। तो दोस्तों हम लोग 3D में जाकर देखता है, देखिए 3D में जाकर हम लोग देखता है तो इस टाइप से हमारा गेट प्रोवाइड हुआ है, देख सकते हैं कि इस टाइप से हमारा गेट प्रोवाइड हुआ है। यदि आप डिफरेंट डिफरेंट गेट का प्रोवाइड करना चाहते हैं तो हम लोग जाएगा लाइब्रेरी से, कुछ गेट को हम लोग लाकर यहाँ प्रोवाइड करना आपको सिखाता है। तो लाइब्रेरी में हम लोग जाते हैं, जो लाइब्रेरी हम लोग डाउनलोड करके रखा है अपना फाइल में, तो हम लोग फाइल में जाएगा, उसके बाद हम लोग जहाँ पे डाउनलोड करके रखा है उसमें जाएगा। इस टाइप का हमारा लाइब्रेरी है, तो लाइब्रेरी में जाने के बाद यहाँ पे डूर्स है, तो डूर्स में हम लोग जाएंगे। डूर्स में जाने के बाद देखिए फिर हम लोग यहाँ पे रेसिडेंशियल डूर्स में जाएंगे, रेसिडेंशियल का काम हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए इस टाइप से हमारा डूर्स, बहुत तरह तरह का डूर्स प्रोवाइड किया जा रहा है। तो हम किसी डूर को लाना चाहते हैं, हम इस डूर को लाना चाहते हैं, देख रहे हैं ये वाला को, तो इसको मैं ड्रैग किया और ड्रैग करके रेविट आर्किटेक्चर सॉफ्टवेयर में जाकर हम लोग ड्रॉप कर दिया। तो ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड से हम लोग आसानी से ला सकते। तो देखने की यहाँ पे हमारा गेट आ चुका है, अब जो हमने लाइब्रेरी से लाकर यहाँ पे ड्रैग और ड्रॉप मेथड से हम लोग यहाँ पे यूज़ किया, तो यहाँ पे हमारा गेट आ चुका है। इसको हम लोग कैसे प्लेस करेगा अपना प्लान में, तो प्लेस करने से पहले हम लोग को क्या करना रहता है, यहाँ पे एडिट टाइप में जाकर डुप्लीकेट करना रहता है। तो हम लोग यहाँ पे एडिट टाइप करेगा, एडिट टाइप करने के बाद हम लोग यहाँ पे डुप्लीकेट करेगा और डुप्लीकेट में जो नाम रखना चाहते हैं रख सकते हैं। यहाँ पे मैं रखा G2 देन ओके, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेगा विथ हम लोग कितना रखना है गेट का। तो यहाँ पे हमारा विथ था 914 और हाइट कितना था, हाइट 2000 जी था, बाकी सब एटीट्यूड देन ओके। उसके बाद हम लोग अब जहां जहां बनाना चाहते हैं, जहां जहां प्लेस करना चाहते हैं वॉल को आसानी से, वॉल में हम लोग जहां जहां प्लेस करना चाहते हैं गेट को आसानी से प्लेस कर सकते हैं।
तो जैसे कि ये वाला रूम में और ये वाला रूम में तो हम लोग यहाँ जो बाय डिफॉल्ट जो रैबिट आर्किटेक्चर में दिया हुआ था गेट, उसी का हम लोग यूज किया है। और ये तो जो मैं गेट या ये वाला जो गेट है एक्सटीरियर सिंगल हाफ फ्लैट ग्लास वाला, तो मैं लाइब्रेरी से लाया और यहाँ यूज कर रहा। तो मैं इसका यूज बाहर की ओर गेट का यूज करता है गेस्ट रूम में। तो मैं यहाँ पे आकर इसको बॉटम का लेफ्ट क्लिक करके हमने यहाँ पे सेट किया, फिर यहाँ पे इसको हम प्लेस करते हैं, प्लेस कर दिया। देखिए अब यहाँ बाथरूम है, यहाँ किचन है, यहाँ किचन है और ये बाथरूम है, बाथरूम है। तो बाथरूम में हम लोग दूसरा गेट लगाएगा, किचन में भी दूसरा लगाएगा। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, हम लोग देखेगा किन लाइब्रेरी से हम लोग लाएगा गेट और बाथरूम और किचन के लिए यूज करेगा, ताकि हम लोग यहाँ 3D आके हम लोग देख सकते हैं। देखिए 3D में हम लोग आके देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से हमारा गेट लग चुका है। तो इस तरह से हमारा गेट लगा हुआ है, और जबकि बाथरूम में और किचन में नहीं लगा हुआ, तो मैं इसको अब लगाएगा लाइब्रेरी से लाकर। तो अब हम फिर से लाइब्रेरी में जाएगा और यहां से मैं फिर एक गेट चूज करेगा। तो अब मैं इस गेट को चूज किया, इसको ड्रैग किया यहां पे लाकर ड्रॉप कर दी। तो ड्रैग ड्रॉप मेथड से देख रहे हैं कि यहां पे हमारा प्रॉपर्टीज पैलेट में आ चुका है। तो यहां से हम लोग एडिट टाइप करेगा, एडिट टाइप करने के बाद यहां से डुप्लीकेट करेगा, डुप्लीकेट करने के बाद यहां पे हम लोग नाम रखेगा, यहां पे मेरा कर देता है G3। ओके, यहां पे आप विड्थ को चेंज कर सकते हैं। विड्थ हमारा यहां पे मैं 900 रखता है, क्योंकि बाथरूम का जो गेट का विड्थ था उसको मैं कम किया था अपना ड्रॉइंग प्लान में, और इसका हाइट सेम रहेगा। देन ओके, तो हम लोग यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे प्लेस करता है, देखिए ये जो मेरा उधर की ओर हो रहा है, उस साइड की ओर चौकट हो रहा है, वर्टिकली चौकट, तो हम इधर की ओर रहना चाहते हैं इस दीवार की ओर। तो कीबोर्ड में जो स्पेस बार होता है उसको हम लोग प्रेस करेगा, तो आ चुका है इधर की ओर। देन एंसर, और हम लोग यहाँ पे लगाएगा एक, तो फिर से इधर की ओर दिखाई दे रहा है, हमको उधर की ओर रखना है। तो कीबोर्ड में जो स्पेस बार होता है उसको हम लोग प्रेस करेगा। देन लेफ्ट बॉटम का जो लोग प्रेस किया उसके बाद कैंसिल, उसके बाद हम लोग यहाँ पे लगाना चाहते हैं, यहाँ पे लगा दिया, उसके बाद हम लोग यहाँ पे लगाना चाहते हैं, यहाँ पे लगा दिया, उसके बाद यहाँ पे लगा सकते हैं। देखिए यहाँ का विड्थ जो है ना बहुत कम है, इसलिए मैं यहाँ के विड्थ को कम करके लगाना होगा। तो हम इसको छोड़ देता है, बाकी ये जो जहां तहां लगाया है इसी को हम लोग आपको 3D में दिखाता है। हाँ, एक बताओ मैं बोलना चाहता हूँ, मूव करना चाहते हैं तो मूव कर सकते हैं। जैसे कि ए वाला, देखिए ए वाला जो है ना इस वॉल में टच नहीं है, तो इस वॉल में टच करने के लिए परफेक्टली फिट करने के लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ सिलेक्ट करना होगा। तो हमने सिलेक्ट किया, और आप सिलेक्ट करने के बाद ये देख रहे हैं ये जो टूल्स बार है, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि मूव है, तो मूव जो मूव में जाकर क्लिक करेगा, और क्लिक करने के बाद जूम करके आप इसको क्लिक कर आसानी से जहां लाना चाहते हैं वहां पे ले जाकर छोड़ सकते हैं। ये हमारा सेटल हो गया अच्छा से। इसी तरह से इसको हमने सिलेक्ट किया, फिर यहाँ मूव पे क्लिक किया, और फिर इसको सिलेक्ट किया, फिर यहाँ पे लाके हम लोग तो इस तरह से हो गया, ओवरलैपिंग हो गया। देखिए यहाँ पे मैसेज भी आ गया, इंसर्ट कॉन्फ्लिक्ट विद ज्वाइंट वॉल, ज्वाइंट वॉल के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो चुका है। तो इससे कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, छोड़ सकते हैं इसको कैंसिल करके। इसको भी हम थोड़ा उधर कर देते हैं, हो गया। और जो जिसको इसको फिट करना चाहते हैं परफेक्टली उसको हम कर सकते हैं आसानी से, ये भी हो गया। इसको भी देखिए उस हमारा ये पूरी तरह से हो चुका है। तो हम इसको 3D में ले जाकर देखते हैं। तो ये देखिए इस तरह से हमारा 3D में पूरा दिखाई दे रहा। तो मैं बाथरूम में लगा, देखिए इस टाइप से ये किचन में लगा हुआ है, बाथरूम में,
इस तरह से मेरा पूरा गेट लग चुका है सभी रूम में। तो इस तरह से दोस्त हम लोग गेट को लगाना या इसी तरह से गेट अपना चॉइस से लगा सकते हैं लाइब्रेरी से लाकर, और जो बाई डिफॉल्ट सॉफ्टवेयर में था गेट उसको तो मैं लगाना सिखा दिया, और जो लाइब्रेरी से कैसे लाकर हम लोग ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड से हम लोग कैसे लगाते हैं वॉल में गेट वो भी मैं सिखा दिया। अब हम लोग देखेगा कि तो देखिए विंडोज लगाने के लिए हम लोग यहाँ आर्किटेक्चर में जाएगा। आर्किटेक्चर में जाने के बाद हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि विंडोज लिखा हुआ है, तो विंडोज में क्लिक करेगा। तो क्लिक करने के बाद देखिए ये पूरा इस टाइप से विंडोज दिया हुआ, ये जो आप देख रहे हैं ना विंडोज एम केसमेंट 3x3 विथ ट्रिम, ये आपको दिया नहीं रहेगा, केवल आपको एम फिक्स टाइप का ही दिया रहेगा विंडोज। ये जो है मैं लाइब्रेरी से लाकर यहाँ पे फिक्स किया है, तो आपको केवल एक ही टाइप का विंडोज बाय डिफॉल्ट रहता है रेबिट आर्किटेक्चर में। और तरह तरह का विंडोज लाने के लिए आपको लाइब्रेरी से लाना होगा, जिस तरह से हम लोग गेट में लाया लाइब्रेरी से, तो उसी तरह से लाना होगा। तो अभी मैं बाय डिफॉल्ट वाला दिखा देता एक बार। तो बाय डिफॉल्ट इसी टाइप का आपका केवल रहेगा रेबिट आर्किटेक्चर में, और जो भी अपना चॉइस लगाना चाहते हैं उसको लिए आपको लाइब्रेरी से लाना होगा। तो इसको पहले नंबर हम लोग एडिट टाइप करेंगे, एडिट टाइप में जाने के बाद हम लोग डुप्लीकेट करेंगे, डुप्लीकेट करने के बाद हम लोग इसको नेम दे सकते हैं W1 देन ओके। देखिए ये बोल रहा है कि द नेम W1 इज ऑलरेडी इन यूज, मैंने पहले से जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट प्रीवियस प्रोजेक्ट में हम लोग जो काम किया था उसमें हमने W1 नाम लिखा था, इसलिए मैं इसका नाम चेंज करके कुछ और रखता है W1 .. उसके बाद ओके करते हैं। फिर यहाँ पे हम लोग विद हाइट 1200 सही है, सील हाइट से 900 सही है, विद 1200 सही है, तो यहाँ पे हम लोग ओके करेगा। तो हमारा ये आ गया है W1 से। तो इसके बाद हम लोग जहां जहां लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं आसानी से। तो हम एक यहाँ पे लगाएगा, एक यहाँ पे लगाएगा, एक यहाँ पे लगाएगा, इस रूम में भी लगाएगा। इस हम लोग देखिए बाय डिफॉल्ट जो रेबिट आर्किटेक्चर में दिया था विंडोज उसको मैं यूज कर चुका। अब इसको मैं कैंसिल करके अब इसको मैं 3D में देखना चाहता है। तो देखिए इस टाइप से हमारा विंडोज लगा हुआ देख सकते हैं, इस टाइप से विंडोज लगा हुआ। और अब हम लोग सीखते हैं लाइब्रेरी से लाकर कैसे हम लोग विंडोज लगाते हैं तो भी हम लोग देखते हैं। तो सेम गेट की तरह है, जैसे हम लोग गेट में यूज किया था उसी तरह से हम लोग इसमें यूज करेगा। तो फिर से हम लोग डोर में सॉरी विंडोज में जाएंगे, आर्किटेक्चर में जाएंगे, उसके बाद हम लोग विंडोज में जाएंगे। विंडोज में जाने के बाद हम लोग लाइब्रेरी में जाकर हम लोग जहां पे हम लोग लाइब्रेरी में डोर दिया रहेगा सॉरी विंडोज रहेगा वहां पे हम लोग जाके, जैसे यहाँ विंडोज है मेरा तो विंडोज में गया। तो देखिए इस टाइप से पूरा बहुत तरह तरह के विंडोज दिखाई दे रहा है। तो किसी एक विंडोज को हम लगाना चाहते हैं, जैसे किस विंडोज को लगाना चाहते हैं, यहाँ पर ड्रैग किया, ड्रैग करने के बाद हमने यहाँ पर लाके ड्रॉप कर दिया। लेकिन ड्रॉप करने के बाद यहाँ पे मेरा आ चुका है लेकिन आपको दिखाई नहीं दिया क्योंकि मेरा पहले से इसमें आया हुआ था, पहले से मैं इसमें फिक्स कर चुका था, इसलिए यहाँ पे आपको दिखाई नहीं दिया लेकिन आया हुआ है। तो आपको मैं दिखा रहा है देखिए ये जो है ना आ चुका है। तो इसको मैं क्या करेगा, एडिट टाइप जाएगा, एडिट टाइप करने के बाद हम लोग डुप्लीकेट करेगा, डुप्लीकेट में इसको मैं नाम रख देता है W2 .. देन ओके। ओके करने के बाद इसको मैं हाइट को चेंज करता है, हाइट हमारा होना चाहिए 1200 और सील हाइट मतलब प्लिंथ लेवल से सील हाइट तक हम रखेगा 900 और विद इसका 1200 रखेगा देन ओके। अब हम लोग यूज करेगा जैसे कि यहाँ पे तो लग चुका है, अब यहाँ पे मैं लगाना चाहता है तो हम लोग यहाँ पे लगाया और एक किचन रहा और एक किचन, तो किचन में भी हम लोग लगा सकते हैं लेकिन इसका विद हम लोग छोटा करके लगाएंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा किचन में। तो अभी मैं क्या करता कि लगा देता है, फिर आप लोग छोटा करके लगा सकते हैं अपने सुटेबल। तो अभी मैं लगा दिया। अब देखिए अभी हम लोग एक वेंटिलेटर लगाना है, केवल यहाँ पे बाथरूम में वेंटिलेटर लगाना है और तो वेंटिलेटर लगाने के लिए सीखेगा।
तो हम लोग 3D में जाकर हम लोग देखते हैं कि किस तरह से हमारा जो विंडोज है वो लगा हुआ। तो देख रहे हैं दोस्त कि अभी हम जो विंडोज लगाया वो मेरा इस टाइप से लगा हुआ, तो इस टाइप से दिखाई दे रहा, देख रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग विंडोज डोर आसानी से लगा सकते हैं लाइब्रेरी से लाकर। अब हम लोग देखते हैं वेंटिलेटर कैसे लगाते हैं। तो वेंटिलेटर लगाने के लिए बहुत ईजी है, आप यहां से भी जो हमारा विंडोज था विंडोज का साइज छोटा कर सकते हैं और वो उसको भी यूज कर सकते हैं। तो हम लोग वेंटिलेटर लगाने के लिए क्या करेगा कि पिन से लाइब्रेरी में जाएगा और अपने पसंद से लाकर अपना चूज करके यहाँ पे लगाइएगा। सेम वेंटिलेटर जैसे हम लोग गेट का प्रोवाइड किया और विंडोज प्लेस किया, उसी तरह से वेंटिलेटर को भी प्रोवाइड करना है। तो हम लोग यहाँ लाइब्रेरी में गया, लाइब्रेरी में जाने के बाद ये देखिए एम ट्रांसमोज करके है, तो इसको मैं ड्रैग किया और ड्रैग करने के बाद यहाँ पे आके ड्रॉप कर दिया। तो ड्रॉप करने के बाद यहाँ पे हमारा दिखाई देगा, जैसे कि पहले से ही हमारा फिक्स कर चुका है इसलिए दिखाई नहीं दे रहा। तो यहाँ पे हम लोग देखिए ए जो है ना, इसी को हम लोग देखा था ना, इसी को देखा था ना एम ट्रांसमेंट, देखिए जैसे आपको दिखा रहा ये देखिए एम ट्रांसमोज। आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे ड्रैग करके और यहाँ पे लाकर ड्रॉप कर देना है, बस यही है ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड से। तो इसको हम लोग क्या करेगा, एडिट टाइप में जाएगा, एडिट टाइप करने के बाद डुप्लीकेट करेगा, डुप्लीकेट में नाम रखेगा V1 डॉट डॉट देन ओके। अब यहाँ पे हाइट हम लोग को चेंज करना, हाइट कितना रखना चाहते हैं, तो यहाँ पे हाइट हम इसको देना चाहते हैं 500 और सील हाइट से कितना रहना चाहिए, सील हाइट से इसका हाइट हम रखना चाहता है 2300। और फिर उसके बाद हाइट हो गया, विड्थ कितना रखना चाहते हैं, विड्थ भी हम 500 रखना चाहते हैं, देन ओके। तो अब हम लोग यहाँ पे बना सकता है। देखिए यहाँ पे एक दोस्त मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा कि लगा हुआ लगते हुए, तो नहीं दिखाई दे रहा, तो आपको एक जो प्लस का सिंबल दिखाई दे रहा बस प्लस ये समझिए कि मेरा यहाँ पे लग रहा है, माउस का केवल लेफ्ट बटन आप क्लिक कीजिए आपका लग चुका है। उसके बाद आप यहाँ पे लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे लगाइए, आपको दिखाई देगा, आप 3D में जाकर देखिएगा तो आपको दिखाई देगा। मैं दिखाऊंगा इसको कैसे लगा हुआ, देखिए केवल प्लस की ओर सिंबल देगा, बस जानिए कि हमारा लग गया, जिसे हम लोग गेट और विंडोज को लगाया ना उसी तरह से और प्लस सिंबल देता है। उसके बाद हमारा वेंटिलेटर लग चुका है, तो मैं कैंसिल करके हट जाता है कमांड से और उसके बाद हम लोग 3D में जाकर देखते हैं वेंटिलेटर किस तरह से लगा है। देख रहे दोस्त कि हमारा वेंटिलेशन इस तरह से लगा हुआ है, देख रहे ना यहाँ पे इस तरह से लगा हुआ, सभी में लगा हुआ होगा, देखिए इसमें भी लगा हुआ और हम लोग इसमें भी लगाया था, देखिए इसमें भी लगाया था इस बाथरूम में, किस तरह से हमारा बात लगा हुआ है सभी में। तो इस तरह से हम लोग दोस्त वेंटिलेटर गेट और विंडोज लगाना सीखा। तो इसी तरह से वीडियो आप पाना चाहते हैं पूरा रेबिट आर्किटेक्चर का, ऑटोकैड का, सिविल इंजीनियर से रिलेटेड जो भी सॉफ्टवेयर है पाना चाहते हैं, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हाँ एक बात और मैं बताना चाहता है कि यदि आपका क्या होता है ना, जैसे कि प्रिंस लेवल में गया और आपका क्या होता है कि जैसे कि ए पूरा जो है जो पूरा हमारा प्लान है ये क्या होता है कि रियलिस्टिक आप कर देंगे, यहाँ पे देख रहे ना एक डाइस टाइप का बॉक्स है और आपका रियलिस्टिक हो जाएगा ना, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि मेरा जो प्लान लाया था कि विंडोज कहाँ पे है। तो इसको हम लोग हमेशा हमेशा यहाँ पे जाकर आपको वायर फ्रेम में रखना है, तब आपको पता दिखाई देगा कि हाँ हम लोग विंडोज कहाँ पे लगाना चाहता है। तो ठीक है दोस्त, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।